अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नबी मोहम्मद गौटी डायलॉग मारूं, एक नंबर गौटी। हाँ दोस्तों, आज ये वीडियो बनाने का मकसद इतना ही है, जो देख रहा हूँ आज ग्रुपों के अंदर कुछ लोग नई नई एसोसिएशन बनाकर या अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं, या तो फिर एक अपने आप को मजाक बनाना चाहते हैं। आपने देख लिया, एक हीरा विक्टिम एसोसिएशन बनाकर उसने कहा कि भाई गली से लेकर कचहरी तक, कचहरी से लेकर संसद तक कुछ उखाड़ नहीं पाया खूटा, ना खूटा कुछ गाड़ पाया। तो दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूँगा, अब ये नए नए एसोसिएशन बनाकर कौन सा खूटा उखाड़ने वाले हैं, कौन सा खूटा गाड़ने वाले हैं, ये तो किसी को भी नहीं समझ में आएगा। क्योंकि एक ने लोगों को एसोसिएशन के नाम से लोगों को गुमराह करके, उन्हें बहला फुसला करके उन्हें FIR करवाया, कंप्लेंट करवाया, खड्डे में डाल दिया और कंपनी को भी डैमेज करवाया। आपने ये देखा कितने लोगों को पैसे मिले, अब तक कितने लोगों के हाथ में पैसे आए, किसी के हाथ में नहीं आए। दोस्तों, आपको पता है ये जितने भी FIR हुए हैं, जितने भी कंप्लेंट हुए हैं, इनकी जांच पड़ताल होगी, इनकी बाकायदा हिसाब किताब होगा, इनसे पूछा जाएगा, इनके IO से पूछा जाएगा, इनकी एजेंसी से पूछा जाएगा, जहां इन्होंने कंप्लेंट किए उनसे सवालात होंगे। इतना आसानी से इन्हें पैसा नहीं मिलेगा कंप्लेंटरों को, जिस तरह से लोग समझ रहे हैं कि भाई आज इसने एसोसिएशन बना दिया, आज उसने एसोसिएशन बना दिया, चलो पीछे पीछे निकलते हैं दुम पकड़ के। दोस्तों, ये एसोसिएशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, एसोसिएशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास अगर 8-10 हज़ार रुपया है तो खर्चा कर सकते हैं, वर्ली में जा सकते हैं, बना सकते हैं वर्ली, उधर भी है चैरिटी कमिश्नर ऑफिस, थाना में है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन मेरे भाई, इसके नियम हैं, इसके तरीके हैं और अपने अंदर उसके अंदर क्वालिटी होती है। जो एसोसिएशन बनाता है उसके अंदर क्वालिटी होती है। आपने देखा जिस इंसान ने एसोसिएशन बनाया उनके अंदर क्या क्वालिटी है, कैसे बात करना, किस तरह से उनका ढंग है, अरी तुरी से बातें करना, बेहुदा बातें करना, जो इंसान को बात करने का तमीज़ तरीका नहीं है, वो किस तरह से एसोसिएशन को लेके चलेगा और किस तरह से आप लोगों को पैसे दिलाएगा और कह रहा है नॉन कंप्लेंटर हमारे पास आ सकते हैं और वो फाइट करेगा सुप्रीम कोर्ट में। एसोसिएशन बनाने वाले मेरे कोई दुश्मन नहीं है, ना मैं उनका दुश्मन हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कंपनी के जो खिलाफ खड़ा होगा मैं उसके खिलाफ खड़ा होऊंगा। हालांकि मैं दुश्मनी के तौर पे नहीं खड़ा होऊंगा, मैं एक कंपनी का सपोर्टर बन के खड़ा हूँ पहले से और आज भी, आगे भी खड़ा रहूँगा। दोस्तों, वीडियो बनाना ही कोई मेरा मकसद नहीं है, वीडियो बनाकर लोगों को क्या बताना वो मेरा मकसद है। दोस्तों, आपने देखा शाहबाज अहमद खान ने कहा मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, जिसने एसोसिएशन बनाया अभी उसका नाम भी लेके बोल रहा है, वो बंदा कहता है नोमान तुम अपने हाथ में ले लो, मैं चला जाता हूँ। यानी ये लोग आप लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं,
आप लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं और आप लोगों को फंसाते जा रहे हैं। क्यों आप लोग इनकी बातों में आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। जबकि आपा ने कहा है कि 6 हफ्ते के पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पूरा करूंगी। और आपा ने ये भी कहा आखिरी वीडियो में 26 तारीख को जुम्मा के दिन कि मेरा 100% पूरा काम हो चुका है, बस हमें थोड़ा इंतज़ार करना है। क्या हमने 3.5 साल 2.5 साल जब इंतज़ार किए हैं, क्या हमारे लिए सिर्फ 3 और 4 महीने के लिए सब्र नहीं है हमारे अंदर? क्या हम लोग नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्या हम लोग ऐसे लोगों की बातों में आकर हम फंसेंगे, अपने आप को मुसीबत में डालेंगे? क्यों? तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा, ऐसे लोगों की बातों में ना आए, ऐसे लोगों के झांसे में ना आए। ये लोग उठे बैठे कैसे भी आड़े टेढ़े अतरंगे वीडियो बनाकर आप लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को चाहिए कि ये समझना होगा, एक मुंबई महाराष्ट्र से एसोसिएशन का हीरा विक्टिम एसोसिएशन का सदर बन के बैठा है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, इनकी बातों का भरोसा हम कैसे करेंगे? आप बताइए, क्या हम इनकी बातों का भरोसा कर सकते? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ दलाली के जैसा ही काम कर रहे हैं, दलाली जैसा काम कर रहे हैं, एक एजेंट जैसा काम कर रहे हैं। अगर आपके हमदर्द, अगर आपके रहबर बन के काम करते तो आज तक ये लोग पैसे दिलाते। और रही बात अब वकील की, जो एक मामूली वकील है, छोटा सा वकील, जिसे हम ऐसा वकील समझते हैं जो अपने घर खर्चे चलाने के लिए, जो सीधे खुलेआम कहता है 5-5 हज़ार रुपये मैं लूँगा पर पर्सन उसकी फ़ीस, पहले वो 25-25 हज़ार लिया था, ऐसे वीडियो भी आपने देख चुके हैं और कितने लोगों ने ऐसे दिए पैसे ये भी उन्होंने बता चुके हैं। जो शाने इलाही है, जो शाने इलाही टर्की, वो खुद कहता है जो लोग पैसे ले रहे हैं वो आपका काम कैसे करें। आपने ये भी देखा दोस्तों, सलीम गली न्यूज़ जब उसका इंटरव्यू लेता है, जब डिबेट होती है, तो आपने ये देखा कि शाने इलाही के तोते उड़ गए थे, शाने इलाही की बोलती बंद हो गई थी। क्या ये कैसा वकील है, तो ये किस तरह से आपका फाइट करेगा सुप्रीम कोर्ट में, और वो भी जज के सामने खड़े रहकर, जज के सामने फाइट करना ये कोई मामूली बात नहीं। एक मामूली सा एक रिपोर्टर, हम सलीम भाई को गलत नहीं कह रहे, वहाँ पे एक रिपोर्टर के सामने बैठकर बात करने की एक औकात नहीं, जवाब देने की हिम्मत नहीं, वहाँ पर अपने आप को बचाने की हिम्मत नहीं, वहाँ पे काउंटर करने की हिम्मत नहीं, तो क्या वो आपका केस लड़ेगा? क्या आपको पैसे दिलाएगा? कभी नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को समझना है, अपनी अकल का इस्तेमाल करना है। आपा ने पहले दिन से कह रहे हैं मैं सभी का पैसा दूंगी, हर एक का पैसा दूंगी, लेकिन लोग कहते थे पहले आपा आना नहीं चाहती है, आपा जेल में रहना चाहती है, आने के बाद ऐसी बातें उठा रहे हैं। तो हम मुसलमान कैसे हैं तो थोड़ा सब्र नहीं कर सकते? आप लोगों को सोचना होगा, आपा ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अपना काम 100% किया है, तो अब नॉन कंप्लेंटर के बारे में भी आप सोच रहे हैं, AGM के बारे में भी सोच रहे हैं? ये ऐसे नहीं है, बस हम जब दिल में आया बोल दिए, कुछ भी आया दिमाग में सोच लिए, ऐसा नहीं होता। कानून का एक अपना तरीका, अपना एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम से ही काम होता है। आप लोग कहेंगे अरे आपा तो आई है पैसा नहीं दे रही है, आपा तो बोली एक दिन में दूंगी, आपा तो बोली वो, अरे भाई आपा ने नहीं बोली थी, वो शाहबाज ने बोला था जो आज तक के पैसा नहीं दिलाया। और इंशाल्लाह बहुत जल्द, मुझे इतनी उम्मीद है, इतना भरोसा है आपा पर कि एक दिन ये कंपनी वापस से खड़ी होगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह सबके अकाउंट में पैसे मिलने को भी लगेंगे। बशर्त ये है आप लोग अपने आप को बचाओ, अपने आप को संभालो,
ऐसे एसोसिएशनों के झांसे में आकर